हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग सभी को। नमस्ते, सब कैसे हैं? एक्चुअली जो मेरा लास्ट वीडियो था एवेंजर मॉडिफिकेशन पे, मेरी बाइक मॉडिफिकेशन पे, वो था साड़ी गार्ड का। जब मैंने बताया था कि मैंने राइट साइड में भी साड़ी गार्ड लगाया है, तो मुझे इतने कमेंट्स आने लग गए कि मैंने ये साड़ी गार्ड लेफ़्ट साइड से राइट साइड कैसे लगाया। और वो ये भी जानना चाहते थे कि मैं इस पर एक डिटेल वीडियो बनाऊं कि ये राइट साइड वाला साड़ी गार्ड कैसे आखिर मैंने फिटिंग कराया। तो आज ये वीडियो में मैं आपको डिटेल में एक्सप्लेन करूँगा कि ये साड़ी गार्ड मैंने लेफ़्ट साइड से राइट साइड कैसे लगाया। तो इस चीज़ को समझने के लिए, इस मॉडिफिकेशन को समझने के लिए मैं आपको लेफ़्ट साइड लेकर चलता हूँ, और जो हमारा ओरिजिनल साड़ी गार्ड है आप उसे ध्यान से देखिए जो मैं बताने जा रहा हूँ, और उसे समझिए। ओके, ये जो साड़ी गार्ड हमारा आता है वो आता है ये पूरा फ्रेम, ओके, और इसके साथ में अटैच होता है ये एक लंबी रॉड। ये जो फुटरेस्ट है ये हमें अलग से लेना पड़ता है ना। अभी हम लोग खाली इसी को लेते हैं। ये जो फ्रेम है उसमें यहाँ पर देखिए एक बेंड होता है, ये देख रहा है, ये बेंड इस तरह से जा रहा है। ये बेंड अगर हम लोग उस तरफ लेके जाएंगे, राइट साइड लेकर के जाएंगे, तो ये अंदर की तरफ चला जाएगा, ऐसे हो जाएगा। ये अभी ऐसे बाहर निकला हुआ है, ये बाद में ऐसे हो जाएगा। तो पहले तो हमें ये चेंज करना पड़ेगा। उसके बाद यहाँ पर ये एक बोल्ट है, ये बोल्ट जिसके अंदर जाता है, ये एक हाउसिंग है यहाँ, और वही ये पूरा एक ये क्लैंप है इसके साथ, ये जो देख रहे हैं आप, इसके साथ ये क्लैंप दो, और यहाँ पर इस रॉड के साथ में ये एक हाउसिंग लगा हुआ है यहाँ, तीन। अब हमारा ये जो काम था इस साड़ी गार्ड को, एक्चुअली मुझे एक बहुत अच्छा मिस्त्री मिल गया जिसका नाम है नौशाद, जिसने ये बुद्धि लगाया और मुझे बताया कि भैया आप ओरिजिनल साड़ी गार्ड ला दो, मैं इसी साड़ी गार्ड को दूसरी जगह लगा दूंगा। ही वॉज द वेरी परफेक्ट मैन टू डू दिस। उसका विजन मेरे विजन से मैच करता है और वो जानता है काम करने के तरीके को। तो मैंने उसे ये साड़ी गार्ड ला कर के दिया। अब हम लोगों ने क्या किया, सबसे पहले गैस वेल्डिंग के थ्रू, प्लीज़ रिमेम्बर दिस, गैस वेल्डिंग के थ्रू इसे कटवाया। इसे कटवा करके, यहाँ से कटवा करके इसे उल्टा किया, ओके, इसे कटवा के यहाँ वेल्डिंग कराया। गैस वेल्डिंग के थ्रू इसे खुलाया गया पूरा, इसे खोला गया, खोल करके इसे भी उल्टा गया, दो तीन, इसे भी यहाँ से कटवा करके यहाँ वेल्डिंग कराया गया। तो ये तीन होल्स सारे के सारे पलट गए, करेक्ट। उसके बाद बचा ये बेंड, जो कि अगर वो साइड जाएगा तो आपकी बॉडी में टच हो जाएगा। इस बेंड को भी उलटना था, तो इस बेंड को उलटने के लिए यहाँ से साड़ी गार्ड को काटा गया, इस रॉड को का इसे इसे यहाँ से छुड़ाया गया वेल्डिंग को, और यहाँ से काट के इस पूरे रॉड को उल्टा गया। तो जब ये रॉड उल्टेगा तो ये होल अपने आप उलट जाएगा, ओके। तो इतना कुछ होने के बाद हमारा साड़ी गार्ड लेफ्ट से राइट में जाने के लिए रेडी था। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा कि हमने क्या कराया उधर। अब मैं आपको दिखाता हूँ वहाँ। ये देखिए, जो मैंने कहा ये उल्टा हो गया। यहाँ देखिए, यहाँ पर यहाँ वेल्डिंग का पॉइंट आपको दिख जाएगा, उसके बाद यहाँ भी एक वेल्डिंग का पॉइंट आपको दिखेगा, है ना, यहाँ से जो काट करके इसे उल्टा किया गया है ना, ठीक है। जस्ट अ मोमेंट, सॉरी। उसके बाद मैंने क्या किया, यहाँ पर ये देखिए, इसी साड़ी गार्ड में यहाँ पर एक होल और लगवाया है ना, जिससे मैं यहाँ और यहाँ पर अपना ये फुटरेस्ट टाइट कर सकूँ। ये फुटरेस्ट यहाँ टाइट हो गया इसके थ्रू। ये होल यहाँ मैंने इसलिए लगवाया बिकॉज मेरे को जब चाहिए मैं ये फुटरेस्ट निकाल भी सकता हूँ और मैं लगा भी सकता हूँ, इसीलिए मैंने यहाँ पर एक वॉशर वेल्डिंग करवा दिया इस जगह पर, इस दोनों के बीच,
एक वॉशर वेल्डिंग करा दिया है ना। वेल्डिंग कराने से ये मेरा यहाँ पर ये काम हो गया, और यहाँ ये वाला ऑलरेडी यहाँ पर एक हमारा बॉडी में यहाँ पर एक होल रहता ही है। इस जगह पर आप देखेंगे अपने एवेंजर में यहाँ एक होल रहता ही है, बस उसी के अंदर इसे टाइट कर दिया गया। अब ये जितने भी बोल्ट्स मैंने यूज़ किए हैं ये सारे अनब्रेको के हैं। अनब्रेको इज़ द बेस्ट इन मेकिंग बोल्ट्स एंड दे मेक द टफेस्ट बोल्ट्स। अब आई बात इन क्लैम्प्स की, ये क्लैम्प और ये क्लैम्प। जब आप अपना इस पार्ट को खोलेंगे, यहाँ से इसे खोलिए, ये कैप निकल आता है बाहर, तो यहाँ हमारा चेचिस रन करता है, एक चेचिस का एक हिस्सा यहाँ रन करता है। वहाँ पर पहले मैंने सोचा था, हम लोगों ने डिसाइड किया था कि एक पट्टी बनवाएंगे मोटा प्लेट का यहाँ पर, और यहाँ पर वेल्डिंग करा के उसमें होल करा देंगे जिसमें ड्रिल करके इसे फिटिंग किया जाएगा। बट जो हमारा वेल्डिंग मिस्त्री है उनके पास ये पहले से ही ये इस तरह के क्लैंप मिल गए थे, उसके पास पड़े हुए थे इस शेप के, तो वो मैंने उनसे ख़रीद लिया। ख़रीद करके इलेक्ट्रिक वेल्डिंग, ये जितने इसमें जो काम हुआ है वो सारा गैस वेल्डिंग से हुआ है, और यहाँ ये जो इसमें जो चेचेस में जो वेल्डिंग हुआ है वो इलेक्ट्रिक वेल्डिंग के थ्रू हुआ है। ये क्लैंप्स को मैंने यहाँ पर पहले होल ड्रिल कराया, होल ड्रिल करा करके यहाँ पर इलेक्ट्रिक वेल्डिंग करा दिया। इलेक्ट्रिक वेल्डिंग होने के बाद ये सारे फिटिंग हो गए। बस यही है तरीका जिससे मैंने ये फिटिंग करवाया। अब आती है मुद्दे की बात, अगर आप इंटरेस्टेड हो तो मैं बजाज ओरिजिनल साड़ी गार्ड खरीद कर उसे यहाँ राइट साइड के लिए मॉडिफाई करके मैं आपको शिप कर सकता हूँ आपके एड्रेस पर। करना ये होगा, आप मुझे अपना फ़ोन नंबर शेयर कर दीजिएगा, मैं आपके लिए साड़ी गार्ड ले करके मॉडिफाई करके आपको कुरियर कर दूंगा। जो भी चार्जेस होंगे हम लोग फ़ोन पर डिसाइड कर लेंगे, वो आप मुझे पे कर दीजिएगा और साड़ी गार्ड आप तक पहुंच जाएगी। मगर मैं साड़ी गार्ड रंग नहीं करवाऊंगा। मैंने इसे रंग कराया आफ्टर फिटिंग, फिटिंग हो जाने के बाद मैंने इसे रंग कराया, बिकॉज़ हो सकता है फिटिंग करने के टाइम पर कहीं चोट लग जाए, कुछ हो जाए, तो वो रंग ख़राब होने के चांसेस हैं इसे। और हाँ, जब ये साड़ी गार्ड पर काम होगा, जितने भी वेल्डिंग के वर्क होंगे, ये साड़ी गार्ड जो ब्लैक में ओरिजिनल मुझे मिला था उसका पूरा कलर जल जाता है। तो इसीलिए जब आप अपना वहाँ पर साड़ी गार्ड आपको मिल जाए, आप अपनी बाइक पर एक बार फिटिंग करवा लो, बिकॉज आपको ये वेल्डिंग करवाने पड़ेंगे वहाँ पर अपने पास। करवाने के बाद जब साड़ी गार्ड आपके हिसाब से फिटिंग हो जाए तब आप साड़ी गार्ड खुलवा लीजिएगा, खुलवा करके फिटिंग करा लीजिएगा और रंग करवा लीजिएगा वापस। एक बात और बतानी है, इस कैप को यहाँ से अंदर साइड से आपको थोड़ा सा कट देना पड़ेगा जो आपको दिखेगा भी नहीं। ये होल यहाँ पर जो भी पट्टी लगेंगी, यहाँ पर जो भी पट्टी लगती है उसके हिसाब से यहाँ एक कट देना पड़ेगा। अगर ये कट आप दे दोगे तो ये इस तरह का फिटिंग हो जाएगा कि समझ में भी नहीं आएगा कि आपने आफ्टर मार्केट फिट कराया है या ये ओरिजिनल फिटिंग आया था। दैट्स इट फोक्स, आई होप इस वीडियो के थ्रू आपको सब समझ में आ गया होगा कि मैंने अपना साड़ी गार्ड लेफ्ट साइड से राइट साइड किस तरह से फिटिंग कराया। आई होप ये वीडियो आपको मेरा इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। थैंक यू वेरी मच फॉर योर लव, आपने इस मेरे वीडियो को बहुत पसंद किया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, सी यू।